तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है गाइस। तो आज की वीडियो है गाइस, वो बहुत ही खास होने वाली है, मैं आपको बता दूं गाइस, क्योंकि जो आज की वीडियो है गाइस वो आर्ट चैलेंज है गाइस। एक मेरे कमेंट में आके एक बंदे ने कमेंट किया है गाइस कि आप अगर आपको दम है तो आप इरेज करके एक आर्ट वर्क बनाकर दिखाएं गाइस। तो मैंने उस आर्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने एक आर्ट वर्क बना लिया है। अब मैं आपको वो उसको बनाकर दिखाता हूँ आर्ट, वो कैसे आर्ट वर्क बनाते हैं। तो चलिए, तो इसके लिए गाइस मैं A4 साइज़ की स्केचबुक यूज़ करूँगा गाइस, और मैं चारकोल पाउडर की यूज़ करूँगा और इरेज़र। तो पहले गाइस मैं बता दूँ आपको, पहले चारकोल पाउडर से आपको पूरे पेपर को कवर कर लेना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके, यानी एक कोई भी आपको इरेज करके एक आर्ट वर्क बना लेना है, अगर आप ये आर्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक ब्रश भी यूज़ करूँगा। तो आपको धीरे धीरे करके पूरे पेपर को चारकोल से कवर कर लेना है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी बहुत लंबे बनने वाली है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा वीडियो को देखना भी ना पड़े।
तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो पेपर है उसको मैंने चारकोल से कवर कर लिया है। तो अब मैं आपको इरेज करके एक आर्टवर्क बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो अब मैं आर्टवर्क बनाना स्टार्ट करता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो आर्टवर्क है वो मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो आर्टवर्क है गाइस वो एक फूल है और एक ऊपर में मैंने जो बनाया है गाइस वो सन है, और ये एक बड़ा फूल है और एक छोटा फ्लावर है गाइस। तो मैंने तो ये आर्ट चैलेंज कंप्लीट कर दिया है गाइस। अगर आप ये आर्ट चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपके लिए कुछ न्यू ट्रिक और कुछ न्यू लेकर आऊँगा।